हेलो एवरीवन, तो चलिए आज हम बनाते हैं बिल्कुल 5 मिनट में बनने वाले इंस्टेंट सी टेस्टी मिठाई, जो कि घर के रखे सामानों से हम बना सकते हैं। तो इसे आप मकर संक्रांति पे ज़रूर से बनाएं, बहुत झटपट बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक कटोरी मुरमुरा यानी कि लाई ले लिया है, बिल्कुल फ्रेश लाई होना चाहिए, मतलब कि क्रिस्पी होना चाहिए। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच चीनी, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा चीनी घटा बढ़ा सकते हैं। और इसको और भी टेस्टी और हेल्दी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 7 से 8 काजू और 6-7 बादाम, इसकी भी क्वांटिटी हम घटा बढ़ा सकते हैं। और हम इसमें डालेंगे 2 इलायची, जिसका कि हमें छिलका निकाल के बस बीजे डालना है। और इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए, बिल्कुल मावा वाला टेक्स्चर लाने के लिए, हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच बड़े चम्मच मिल्क पाउडर। मैंने छोटा पाउच है वो आधा लिया है, आधा रख दिया है। अब इन सब चीज़ों को हम मिक्सी में चला देंगे, बिल्कुल बारीक हमें पीसना है ताकि हमें इसे छानना ना पड़े। और बारीक पीसेंगे तो मिठाई बहुत, इसका टेक्स्चर अच्छा आएगा। देखिए बिल्कुल बारीक होना चाहिए, आप चाहे तो इसे छन्नी से छान भी सकते हैं। मैंने इसे ऐसे ही ले लिया है क्योंकि बारीक पीसा है बिल्कुल। अब इसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छा से एक प्रीमिक्स तैयार हो गया है मिठाई का। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई, अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप दूध भी डाल सकते हैं। तो मलाई डालने के बाद इसे हम मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने इसमें चीनी भी पिसा हुआ है तो मलाई डालते ही चीनी भी मेल्ट होने लगेगी और ये अच्छे से मिक्स होने लगेगा। तो इससे पहले हम स्टार्ट में चम्मच से मिक्स करेंगे अच्छे से, उसके बाद इसे हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये बिल्कुल इसकी बाइंडिंग होती जाए। इस तरीके से हम इसे मिक्स करते जाएंगे तो मेल्ट होता जाएगा और अच्छे से देखिए बिल्कुल डो के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे मिठाई बनाने के लिए एक मिश्रण तैयार हो गया है, जिससे कि आप चाहें तो रोल करके कट कर सकते हैं, या फिर किसी भी कंटेनर में इसे इस तरीके से सेट कर सकते हैं ताकि आप इसे मनचाहा आकार दे दें। मैंने यहाँ पे इसे एक टिफ़िन में इस तरीके से घी लगा के सेट कर दिया है और 5 मिनट के लिए साइड में रख दिया था। वैसे भी ठंडी का सीजन है तो ये अच्छे से सेट हो जाता है। अब इसे देखिए हम डीमोल्ड कर लेंगे और इसे कट करेंगे। आप कट करने से देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये स्मूथ कट रहा है, मतलब कि बहुत ही टेस्टी और मुँह में घुल जाने वाली मिठाई बन के तैयार हुई है। और टेस्ट तो इसके इतना शानदार है कि आप एक बार बनाएंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितनी ज़्यादा टेस्टी मिठाई है। जैसे आप ज़रूर से एक बार ट्राई करें, देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ बन के तैयार हुआ है और टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा शानदार था। तो महंगी बाजार की मिठाइयों को मना कीजिए और घर पे टेस्टी मिठाई बनाएं। संक्रांति पे इसे आप ज़रूर से बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा मिठाई बन के तैयार हुआ है। रेसिपी को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस मिठाई को आप मेरे कहने से एक बार ज़रूर से बनाइए, बहुत हेल्दी और टेस्टी मिठाई है। कम सामान में बिना गैस जलाए बनके